हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर गोपाल पंत कैन काउंट स्टार्स। दिस इज़ चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम योर बुक माई इंग्लिश गार्डन। चिल्ड्रन, वी सॉ इन द फर्स्ट पार्ट दैट द किंग आस्क्ड टू क्वेश्चंस टू राजा कृष्णचंद्र, एंड व्हाई डिड ही आस्क राजा कृष्णचंद्र? बिकॉज ही वॉज फेमस फॉर हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसको पूरे उस किंगडम में, उस स्टेट में, उस रीन में काफ़ी फेमस था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पीपल सेड अबाउट हिम दैट राजा कृष्णा कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो व्हेन द किंग गॉट टू नो अबाउट राजा कृष्ण चंद्राज इंटेलिजेंसी, सो ही कॉल्ड हिम टू हिज कोर्ट एंड ही गेव हिम टू क्वेश्चन टू सॉल्व देम। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज टू क्वेश्चंस। We could not know those two questions. Now we'll see what are these. So this is the king who is surrounded with the map, book and globe. And Raja Krishchandra is standing, bowing his head before the king. And he is asking him something to रिलेटेड टू नेचर, बिकॉज अगर हम देखें उसके पास मैप रखा है, मैप एंड ग्लोब। टॉक अबाउट द नेचर, टॉक अबाउट दिस एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं। सो दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन मे बी रिलेटेड टू द नेचर। लेट्स सी व्हाट आर दीज क्वेश्चन। अब राजा कृष्णा वहाँ आता है और कहता है आई एम एट योर सर्विस सर। वो कहता है कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, जैसे हम कहते हैं ना, जिस लाइक आर टीचर्स रोल कॉल आर प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस लगाते हैं, वी से प्रेजेंट प्रेजेंट मैम प्रेजेंस सर। सो सेम एज राजा के दरबार में जो कोई आता है, और पहले आता था तो वो आते ही आते कहते थे दैट आई एम हेयर फॉर योर सर्विस, ठीक है, यानी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सो राजा कृष्णा चंद्र केम टू द किंग एंड सेड दैट आई एम हेयर फॉर योर सर्विस सर। अब नवाब क्या बोलते हैं, नवाब होल्डिंग अप अ ग्लोब। नाउ ही वॉज होल्डिंग अ ग्लोब इन हिज हैंड एंड ही सेड दैट आई वॉन्ट टू नो हाउ मच द अर्थ मेजर्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड टॉप टू बॉटम। अब वो शोइंग द ग्लोब, ही सेड टू हिम दैट आई वॉन्ट टू नो द साइज ऑफ दिस अर्थ, हाउ मच डज इट, हाउ मच यू नो डज इट मेजर फ्रॉम साइड टू साइड, इसके जो किनारे हैं इनके किनारों का क्या साइज है, एंड टॉप टू बॉटम हाउ मच इज इट मेजर्ड, ये कैसे इसका साइज है, इसका टॉप टू बॉटम क्या साइज है, उसका साइड टू साइड क्या बॉटम सॉरी साइड टू साइड इसका क्या साइज है। एंड वाइल यू आर एट इट फाइंड आउट हाउ मेनी स्टार्स देर आर इन द स्काई। अब वो कहते हैं कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट ही आस्क्स हिम फॉर द साइज ऑफ द अर्थ फ्रॉम साइड टू साइड एंड टॉप टू बॉटम, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड हिम दैट टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, कि कितने सारे स्काई हैं, सॉरी कितने सारे स्टार्स हैं इस पूरे स्काई में। ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन वो पूछते हैं राजा कृष्ण चंद्रा से पता करने के लिए। सो नाउ चिल्ड्रन, दिस इज़ द इंसिडेंट ऑफ अ लॉन्ग बैक व्हेन वी डिड नॉट हैव एनी टेलीस्कोप, वी डिड नॉट हैव एनी टेक्निक टू काउंट द स्टार्स, एंड दो टुडे इवन वी डोंट हैव एनी टेक्निक टू काउंट द स्टार्स, बट येस वी कुड फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। हमें इस पूरी दुनिया का, इस पूरी अर्थ का तो मेजरमेंट पता हो गया है, लेकिन स्टार्स का तो हमें अभी भी नहीं अंदाज़ा है कि कितने स्टार्स हैं इस पूरी गैलेक्सी में। सो दैट देन दिस दीज टू टफेस्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू राजा कृष्णचंद्र, एंड द किंग सेड और किंग कॉल्ड देम वेरी सिंपल क्वेश्चंस, और वो सिंपल क्वेश्चन जो खुद नहीं पता कर पा रहा था, तो उसने कहा मैं तुमसे दो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला कि जो धरती है इसका साइज़ क्या है, दूसरा दैट हाउ मेनी स्टार्स, कितने स्टार्स इस पूरी स्काई में हैं। राजा कृष्णा क्या बोलते हैं, साइज अर्थ स्टार्स,
यस योर एक्सलेंसी। अब वो बोलते हैं यस माय लॉर्ड, आई वुड टेल यू हाउ मच साइज इट इज़ एंड वॉट अबाउट अर्थ एंड आई वुड टेल यू अबाउट द अर्थ एंड आई वुड टेल यू द नंबर्स ऑफ स्टार्स। सो हियर राजा कृष्ण चंद्र बिकेम सो सरप्राइज दैट वाई इज ही आस्किंग सच toughest questions, calling them very simple, but still under compulsion he said yes and he committed that he would get them these two answers. So promise, वो बोल देते हैं कि हाँ मैं आपको answers दे दूँगा। अब नवाब भी कहते हैं find me the answers and I will reward you well. वो कहते हैं if you find the answers then definitely you are going to be rewarded, तुमको इनाम मिलेगा, otherwise it's off with your head, अदरवाइज तुम्हारा सर जो है अलग कर दिया जाएगा या तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। सो नाउ राजा कृष्ण चंद्र बिकेम सो फियर एंड ही थॉट ऑफ गेटिंग द आंसर्स एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज ही वुड बी डाइंग और ही वुड बी पनिश्ड बाय द किंग। उनको पता, ये सोचते हैं कि अगर मैंने आंसर्स नहीं दिया इस राजा को तो डेफिनेटली मुझे मरवा देगा। So he was baffled completely what to do. Now scene 2 starts. अब scene 2 start होता है। अब ये this was the first scene where we saw that how Krishchandra was asked two questions by the king. And in second scene we would see that how did he try to find out the answers. Let's see. अब इन ब्रैकेट व्हाट इज रिटन, कृष्णा चंद्रा इज पेसिंग अप एंड डाउन इन हिज गार्डन, गोपाल पंथ एंटर्स। अब नाउ कृष्णचंद्र वॉज इन हिज गार्डन एंड ही वॉज पेसिंग अप डाउन एंड अप इन हिज गार्डन। नो ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन एंड इन बिटवीन गोपाल पंथ एंटर्ड, और वो वहाँ पर गोपाल पंथ आ जाता है। And children, we know the whole story is revolving around Gopal Pant. So now we have to be very careful about Gopal Pant. What does he do now? वो क्या करता है हम इसमें देखेंगे। So Gopal Pant कहते हैं, where have you been? I have not seen you for days. अब Gopal Pant said to Raja Krishna that where were you for a long period? I have not seen you for many days. मैंने तुम्हें बहुत दिन से देखा नहीं, कहाँ पर थे तुम? राजा कृष्ण रिप्लाइड, ही सेड गोपाल, आई एम इन डीप ट्रबल, द नवाब हैज़ गिवन मी अ जॉब एंड इफ आई डोंट डू इट ही विल एग्जीक्यूट मी। अब चंद्रा राजा कृष्ण शेयर्ड हिज प्रॉब्लम विद गोपाल पंत। वो कहते हैं दैट गोपाल आई एम इन डीप ट्रबल का मतलब बहुत ही सीरियस ट्रबल में मैं फंस गया हूँ, आई एम ट्रैप्ड इन अ डीप ट्रबल एंड नवाब हैज़ आस्क्ड मी टू डू हिज जॉब एंड इफ आई डू नॉट डू सो ही वुड पनिश मी बाय हैंगिंग मी। वो मुझे पनिश करेगा मुझे फांसी दे करके। नाउ गोपाल आस्क्ड हिम दैट व्हाट जॉब, परहैप्स आई कैन हेल्प यू। गोपाल बंधु से कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू हैव बीन गिवन बाय द किंग, मे आई हेल्प यू इफ़ यू टेल मी। वो कहते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी जॉब तुम्हें मिली, क्या काम नवाब ने तुम्हें दिया है, सो आई मे बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राजा कृष्ण चंद्रा सेड टू हिम दैट ही वांट्स मी टू फाइंड आउट द साइज ऑफ अर्थ फ्रॉम एंड टू एंड एंड टॉप टू बॉटम, देन आई हैव टू टेल हिम हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई। वो कहते हैं दैट ही हैज़ द नवाब हैज़ आस्क्ड मी टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑल द एजेस एंड देन हाउ मेनी एंड अबाउट नंबर्स ऑफ स्टार्स, कितने स्टार्स हैं स्काई में वो पता करना है और अर्थ का क्या साइज है मुझे वो पता करना है। गोपाल बंद सेड ओ दैट्स ईजी, ask Nawab to give me a million rupees in advance and at the end of the year he will have his answers.
अब गोपाल बंद सीम्स टू बी वेरी मच इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, बहुत ही काफ़ी चालाक और इंटेलिजेंट लग रहे हैं ये. गोपाल बंद वॉज वेरी सरप्राइज एंड वॉज वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दीज टू क्वेश्चन, बिकॉज फॉर हिम दीज आंसर दीज क्वेश्चन वे वेरी इजी, उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे. एंड ही ऑफर्ड राजा कृष्णचंद्र दैट इफ यू गेट मी अ मिलियन ऑफ रुपीज़, अ मिलियन रुपीज़ बाय किंग, अगर तुम राजा से मुझे 1 मिलियन रुपए दिला दो, सो बाय द एंड ऑफ द ईयर आई वुड गेट हिम आंसर्स ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, मैं उनको इन क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे दूंगा. अब नाउ द सीन 3 स्टार्स विल हैव दिस नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन. सो नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, what are the two questions asked by the king by the nawab to raja krishna, raja krishna se kaun se do question puche gaye ye aapko batane hain after watching the video. Now the question number 2 is how did raja krishna react to those questions, unka reaction kya tha un do questions pe, did he find it easy to the answer or he was confused or he was in trouble, वो इन क्वेश्चंस उनके लिए आसान थे या फिर वो अपने आप को प्रॉब्लम में पा रहे थे इन क्वेश्चंस को ले करके. व्हाट इज एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट वुड द किंग डू विद राजा कृष्णा इफ ही डजंट गेट द आंसर्स ऑफ दोज टू क्वेश्चंस, what would the king do with Raja Krishna if he doesn't get him those two answers. So अगर राजा कृष्णा के साथ क्या होगा अगर वो दो questions को नहीं करते हैं, राजा उनके साथ क्या करेगा, this is the third question. Now the next question is that who asked राजा कृष्ण चंद्रा that you I have not seen you for long. किसने कहा राजा कृष्ण से कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा है. Now the next question is that after knowing the questions, what condition did Gopal Bandh put before राजा कृष्ण? राजा कृष्ण कौन सी शर्त ऐसी रख देता है, सॉरी गोपाल बंद क्या शर्त रखता है राजा कृष्णा के सामने क्वेश्चंस को जानने के बाद. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट डिड गोपाल चंद फाइंड इट डिफिकल्ट टू दोज क्वेश्चंस, डिड गोपाल बंद फाइंड दोज क्वेश्चंस डिफिकल्ट, जो क्वेश्चंस वो राजा कृष्णा से उसको पता चले थे क्या वो क्वेश्चंस उसको बहुत आसान लग रहे थे या फिर डिफिकल्ट लग रहे थे. सो दिस इज़ द 5th or 6th क्वेश्चन चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.